नेक्स्ट टॉपिक है रिकंस्ट्रक्शन यानी पुनर्निर्माण। सो लेट्स स्टार्ट। तो हिटलर ने जर्मनी को हुए लॉस की भरपाई कैसे हो, जर्मनी की इकोनॉमिकल कंडीशन फिर से अच्छा हो सके, इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी जर्मन अर्थशास्त्री हेल्मर शॉट को दिया गया। हेल्मर शॉट ने स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम के तहत फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट पर जोर दिया। इसी के तहत जर्मनी में जर्मन सुपर हाईवेज और पीपल्स कार वॉल्क्सवैगन बना। यदि हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें, हिटलर की फॉरेन पॉलिसी, तो हिटलर ने सबसे पहले 1933 में लीग ऑफ नेशन से जर्मनी का नाम हटा दिया, यानी अब जर्मनी लीग ऑफ नेशन का मेंबर नहीं रहा। इसके बाद जर्मनी ने 1936 में राइनलैंड पर अधिकार कर लिया। तो 1938 में हिटलर ने एक स्लोगन दिया, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर, और इसी स्लोगन के तहत 1938 में ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एक कर दिया गया, यानी इंटीग्रेट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट में, इसके बाद हिटलर ने सुडेटनलैंड और चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार किया। हिटलर के इस काम में इनडायरेक्टली ब्रिटेन भी साथ दे रहा था, हालांकि ब्रिटेन जर्मनी का विरोधी कंट्री था। अब यहां बता दूं कि आखिर ब्रिटेन ने हिटलर को रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया, या ब्रिटेन ने हिटलर के मामले में चुप्पी क्यों साध रखी थी। तो इसका कारण यह था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के साथ जो ट्रीटी हुई थी वह बहुत ही कठोर था, हार्श था। ब्रिटेन ने अपने साथी देशों को सुझाव दिया था कि ठीक है, चलो मानता हूं जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का दोषी है और जितनी सजा उसे मिलनी चाहिए उतनी मिल चुकी है, अब एक्सेस पनिशमेंट नहीं देना है। लेकिन ब्रिटेन के कुछ साथी देशों ने ब्रिटेन के सलाह पर ध्यान नहीं दिया, और यही कारण था कि अब जब हिटलर ने अटैक करना शुरू किया तो ब्रिटेन ने उसके मामले में चुप्पी साध ली और हिटलर का विरोध नहीं किया। चलिए अब हिटलर की पॉलिसी पर वापस आते हैं। तो हिटलर के इकोनॉमिक मिनिस्टर हेल्मर शॉट ने हिटलर को आगाह किया कि और सलाह भी दिया कि देश की इकोनॉमिकल कंडीशन खराब हो रही है, देश घाटे में जा रहा है, परंतु हिटलर ने उसकी बात नहीं मानी और कहा कि हम अपने घाटे को इकोनॉमिक क्राइसिस को युद्ध करके पूरा करेंगे, अपने टेरिटरी यानी क्षेत्र का विस्तार करेंगे और वहां के रिसोर्सेस का यूज करेंगे। और इसी विचार के तहत, इसी ओपिनियन के तहत सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया, जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। 1940 में हिटलर ने इटली और जापान के साथ मिलकर ट्रिपार्टी पैक्ट कर एक गुट बनाया। जून 1941 में हिटलर ने सोवियत यूनियन पर अटैक किया। इस अटैक को हिटलर का हिस्ट्रिक ब्लंडर यानी एक महान ऐतिहासिक भूल कहा गया, क्योंकि सोवियत यूनियन पर अटैक करना हिटलर को भारी पड़ा और एक तरह से हिटलर की हार यहीं से शुरू हुई। सोवियत रेड आर्मी ने जर्मन सेना को हराते हुए फाइनली जर्मनी के बर्लिन तक वापस ढकेल दिया। तो अब बात करते हैं जापान की। तो जापान की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। फ्रेंच इंडो चाइना पर जापान ने कब्जा कर लिया था और अब वह यूएस के नेवल बेस पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था जो पैसिफिक ओशन में था। हालांकि अमेरिका वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था, लेकिन जब जापान ने यूएस के पर्ल हार्बर पर बॉम्ब से हमला कर दिया तो यूएस भी वर्ल्ड वार में कूद गया। हिटलर की पराजय और यूएस द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिराने के साथ ही मई 1945 में वर्ल्ड वार सेकेंड समाप्त हुआ। तो अब ये जानना है कि आखिर वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान क्या हुआ था, तो इसके लिए हम लोग वापस आते हैं हेल्मेट और उसके फादर की कहानी पर, जो चैप्टर की शुरुआत में दी गई थी। और इसे जानने के लिए नेक्स्ट टॉपिक है द नाजी वर्ल्ड व्यू, यानी नाजी का दुनिया के प्रति दृष्टिकोण, किस दृष्टिकोण से, कैसी दृष्टि, कैसी विचार, कैसा सोच
नाजी पार्टी की थी, दुनिया को लेकर के क्या सोच थी।